हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेड। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटाजेसिक टैबलेट की फुल नॉलेज। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस क्या है, ये किस कंपनी की है और ये किस लिए यूज़ करा जाता है और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और ये वर्क कैसे करता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो बिगर बोर करें हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसका प्राइस। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे 24 रुपये 50 पैसे की है, जिसकी एक स्ट्रिप में 10 गोली होती है। जैसे आप देख रहे हो, ये 10 गोली है एक स्ट्रिप में और ये 24 रुपये 50 पैसे की। और ये हमारी इंटस फार्मास्यूटिकल्स की है, जैसे आप ये देख रहे हो। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आगे। तो दोस्तों जो हमारी इंटाजेसिक टेबलेट है, ये हमारे किस लिए काम आता है। ये जब हमारे मसल स्पास के वजह से हमारे बॉडी में दर्द होता है, उस टाइम ये दिया जाता है जो कि दर्द को कम कर सके। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया और तो ड्राइनेस माउथ, और कभी कभार तो नींद भी आती है। तो दोस्तों ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम चलते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि कोई सी भी मेडिसिन हो, वो आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही ज़रूर लें। तो अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो ये इंटाजेसिक टैबलेट है, आप दिन में 2 टाइम या दिन में 1 टाइम भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर की आपको क्या बताते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, अगर कम हो रहा हो तो दिन में 1 टाइम ले सकते हैं। बट आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद ही लेना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों जो हमारी इंटाजेसिक टैबलेट है, इसके अंदर हमारा है क्लोरजोक्सान, डाइक्लोफेनक और पैरासीटामोल। तो दोस्तों जो क्लोरजोक्सान है, ये हमारा क्या करता है, जो मसल स्पाज्म है उसको मसल रिलैक्सेंट करता है, और जो मसल रिलैक्सेंट की वजह से हमें जो दर्द होता है उसी को दर्द कम करने के लिए हमारा डाइक्लोफेनक और पैरासीटामोल यूज़ करा जाता है। जो हमारा मसल रिलैक्सेंट है वो कैसे होता है, जो हमारे ब्रेन से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जब हमारी मसल स्टिक हो जाती है, मतलब क्या नाम है, स्पाज्म होने लगती है, उस टाइम हमारा क्लोरजोक्सान क्या करता है कि वो मसल को रिलैक्स करता है। तो मसल रिलैक्स होने की वजह से फिर जो दर्द कम होता है उसको हम कम करने के लिए पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक दिया जाता है, जो कि ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस। जो अल्कोहल लेता है, कंज्यूम करता है, उसके बाद इस दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं देगा। और जो प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, वो डॉक्टर की एडवाइस से ही ये दवाई ले। और जो ड्राइव करते टाइम ये मेडिसिन लेता है, वो भी डॉक्टर की एडवाइस से ले, क्योंकि इसको लेने के बाद स्लीपिंग आती है, तो स्लीपनेस होती है तो फिर ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ जाती है। और जो लीवर पेशेंट है और किडनी पेशेंट है, वो इस दवाई को ना ले, मेरी सलाह है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।